हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 का वीडियो नंबर 41 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आज हम एक अलग चीज पढ़ेंगे जो शायद हमने पहले नहीं पढ़ी है। ध्यान से समझिए आप लोग, है सबसे पहले बात कर रहे हैं सन केंद्रीय वृत्त। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में जाने। देखिए, जैसे अपन ने ये एक सेंटर ले लिया, केंद्र ले लिया, ये एक वृत्त बनाया, इसी को केंद्र ले लिया, कंपास को और बढ़ा दिया, ये दूसरा बना दिया। ठीक है, और इसकी रेडियस आर वन थी, इसकी क्या हो गई आर टू, और कंपास को बना दिया, सेंटर वही है, केंद्र वही है, और भी बना सकते हैं अपन, है ना। इन सब व्रतों का केंद्र एक ही है परंतु त्रिज्याएं क्या है अलग अलग। तो ऐसे व्रत जिनका केंद्र तो एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं क्या होंगी अलग अलग, तो छोटे बड़े हो गए ना, केंद्र वही है, तो इसे कहते हैं संकेंद्रीय व्रत, समान केंद्र वाले व्रत। कॉन्सेंट्रिक सर्कल टू और मोर देन टू, सॉरी थ्री और मोर देन थ्री, ठीक है, दो तो ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर देन टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी बात समझे। अच्छा, सर्कल को लिखने का एक मैं आगे की बात बताता हूं आपको। सर्कल को लिखने का सिंबल जो है सी फॉर सर्कल, ओ और आर, पहला हमेशा जैसे बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में, पहला हमेशा क्या कहलाया सेंटर कहलाया केंद्र, और दूसरी हमेशा क्या होगी त्रिज्या, रेडियस को व्यक्त करेगी रिप्रेजेंट। तो अब जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सी वन मानो पहला सर्कल, ओ वही है आर वन, सी टू सर्कल क्या होगा ओ आर टू, सी थ्री सर्कल क्या होगा ओ आर टू। देखो केंद्र सबका एक ही है, सेंटर सबका सेम ही है, रेडियस डिफरेंट है, त्रिज्या अलग अलग है, क्या बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा, पक्के पढ़ाई समझ में भी आ जाएगी, वीडियो को बार बार देखें अगर कोई चीज समझ में नहीं आती रिपीट करें, ये भी लाभ है इसका। देखिए अगला है वलयिका, ठीक है, रिंग वलयिका एवं उसका क्षेत्रफल, रिंग एंड देयर रेडियस, ठीक है, रिंग एंड देयर रेडियस, वृत्त और उसका क्षेत्रफल, ठीक है, रिंग और उसका रिंग एंड देयर एरिया, वलयिका और उसका क्षेत्र। वलयिका क्या होती है, दो संकेंद्रीय वृत्त ले लो, ये पहला वृत्त इसकी त्रिज्या आर, ये दूसरा वृत्त इसकी त्रिज्या बड़ा, ठीक है, इन दो संकेंद्रीय वृत्त ये ना के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, उनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा इसी को क्या बोलते हैं वलयिका, टायर रूमा रिंग रूमा। रिंग क्या होती है, रिंग देखो क्या टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज नोन एज रिंग, ठीक है। अब इसको मान लो कैलकुलेट करना, आर क्या है अंदर वाले वृत्त की, तो भीतरी त्रिज्या, इनर रेडियस, बड़ा आर क्या है बाहरी वृत्त की त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस, ठीक है। अब इसको निकालना है इस रिंग का, इस वलय का, तो क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो है नहीं, बनाएंगे भी अपन कैसे, पहले तो पूरे वृत्त का निकाल लो, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, मैं इसे भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल कहता दो घटा दो, पहले
बिगर सर्कल का एरिया निकालो उसके, या आउटर सर्कल का एरिया निकालो और उसका इनर का घटा दो, ठीक है, इनर का माइनस कर दो, तो ये रिंग रिंग का आ जाएगा वलय का। देखो वलय का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग, एरिया कैसे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब सर्कल का एरिया वृत्त का क्षेत्रफल तो बाहरी हो चाहे भीतरी हो पाई आर स्क्वायर, अब बाहरी है तो पाई बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस को ले लो तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई, इनर का है भीतरी है तो भीतरी त्रिज्या आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब पाई कॉमन आ रहा है बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये बन गया फॉर्मूला वलय का के क्षेत्रफल का एरिया रिंग का। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अब इन पे एग्जांपल भी करेंगे पेपर, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक अपना है अर्धवृत्त, क्या है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। देखो बेटा ये वृत्त है, परिभाषा डेफिनेशन बन गई, ठीक है, ये इसका केंद्र। अब किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त के दो बराबर भाग कर देता है, क्या कर देता है, वृत्त के दो बराबर भाग कर देता है, एक भाग ये और दो बराबर भाग है देखो। प्रत्येक भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आधा वृत्त, आधा हो गया ना अर्ध वृत्त। देखो ये सर्कल है, कोई भी डायमीटर व्यास, व्यास डायमीटर सर्कल के दो इक्वल पार्ट करता है, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। अगर इसका रूप देखें तो सेमी सर्कल कैसा बनना चाहिए, ये इसका केंद्र होगा, ये इसके दूसरे व्यास के, ये डायमीटर या व्यास, अब ये घुमाव वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाएगी, परिधि या सर्कुलर। देखो ये रेडियस ये पूरा डायमीटर आया ना, समझ आ रही बात, अंदर का भाग उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। अब इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं, क्या इस पर तीन क्वेश्चंस बनते हैं, तीन फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से सुनना बात होगा। पहला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, सेमी सर्कल, ठीक है, क्या होगा, देखो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती थी, 2πr, आधा वृत्त तो आधी हो जाएगी, कट गया कितना जाएगा πr, ध्यान रखना अर्धवृत्त की परिधि पूछे, सर्कमफेरेंस पूछे तो ये हो जाए πr। दूसरा अर्धवृत्त का परिमाप पूछे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार। देखो पेरीमीटर में क्या होता है, परिमाप में क्या होता है, इस सिरे से शुरू किनारा 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 घूमकर वापस वहां आना है,
परिधि में तो सिर्फ घुमावा घुमाव वाला भाग होता है, परिमाप या पेरीमीटर में एक किनारे से जाकर फिर वापस जाना है। तो जब परिमाप की बात होगी तो परिधि प्लस ये ए भी है, परिधि प्लस व्यास ए भी बोलो, यानी सर्क्यूम्फ्रेंस प्लस डायमीटर भी तो आएगा ए भी। अब परिधि अर्थवृत्त की क्या होती है, पाया सर्क्यूम्फ्रेंस और डायमीटर आर और आर, डी भी लिख सकते हो और टू आर, कॉमन निकाल लो आर तो पाया प्लस टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। बना भी दिया मैंने आपको, बनाना भी सिखा दिया। कैसे क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप पेरीमीटर सेमी सर्कल का होता है पाई आर प्लस टू आर, ठीक है। अच्छा तीसरा और देखें इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो पूरे वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधा कर लो अपॉन पूरे के लिए टू कर दो या एक बटा दो लगा दो, तो एक बटा दो पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये हो गया आपका पूरा आज का टॉपिक है ना। अब इस पर अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल ध्यान से देखें। देखिए बेटा अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन 9th और 10th। यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी इतनी है तो उन संकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दी, उनके एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल, उनके रिंग का उस भले ही क्या था उनके बीच का क्षेत्रफल, देखो कैसे क्या कह रहा है, ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जहां ये रेडियस आर और ये रेडियस दे दी 4 सेंटीमीटर और बड़ा आर कितना दे दिया 38 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर देता मान लो इनर और आउटर डायमीटर, आधा आधा करके इनर और आउटर रेडियस निकालते, अगर व्यास देता तो क्या करते हम ऐसे पहले क्या करते त्रिज्या निकालते भीतरी और बाहरी, ऐसे करके आधा करते। अब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये वाला बताया था ना कैसे निकालना है, संकेंद्रीय वृत्तों, दो संकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल है ना। हमारी बात समझने, देखिए बेटा आउटर एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो चाहे भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, हमेशा क्या लगता है पाई आर स्क्वायर। अब कैसा सर्कल है आउटर बाहरी वृत्त है तो क्या लगाएंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर और पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये तो 22/22 बताए साहब। अब आर बड़ा आर कितना है 38 प्लस 38 माइनस 22/7 इनको जोड़ लो 42, इनको घटा लो 37 6 जब इनको मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है बेटा, देखो बनाना सीख गए समझ में आना चाहिए चीज क्या हो रही है, समझ के नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, टारगेट पूरे मार्क्स लाने का होना चाहिए 100 में से 100, पहले भी बच्चों के आए हैं
ठीक है ना, अभी रिजल्ट जो आया उसमें भी आया है, ठीक है, आप लोगों के भी आएंगे, ध्यान से समझे बेटा। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है, सेमी सर्कल, एक रेडियस ऑफ सेमी सर्कल देखिए सेल मीटर, तो उस अर्धवृत्त की परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल, तो उस सेमी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस, पेरिमीटर और एरिया, तीनों चीजें निकालनी है। देखो डायग्राम बना लो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, उससे क्या क्लियरिटी हो जाती है। त्रिज्या कितनी दे दी, 7 मीटर। पहला, अर्ध वृत्त की परिधि, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर, पाई 22/7 रेडियस, 7 से 7 रेडियस 22, ये मीटर तो ये भी मीटर है। सिंपल है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है अर्ध वृत्त का परिमाप, मैंने बताया था कैसे निकलता है, परिधि, ये परिधि प्लस व्यास, पेरिमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्क्यूफ्रेंस प्लस डायमीटर, ठीक है, परिधि क्या होती है, सर्क्यूफ्रेंस क्या होता है, सेमी सर्कल का पाई आर, अभी अभी ऊपर, और ये 2r, डायमीटर रेडियस का डबल, त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। अब ये तो 22/7, r कितना है 7 प्लस 2 × 7, देखो ये 7 कर दिया तो 22 आएगा, प्लस 7 दो ही पहले गुणा होगा, मल्टीप्लाई 14, अब जोड़ दो लोगों कितना हो जाएगा 36, ठीक है, परिमाप पेरिमीटर है ये मीटर, तो ये भी मीटर, ठीक है। तीसरा क्या है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 πr² 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई, 22/7, त्रिज्या 7 × 7, 1 7 से ये कट गया, 11 ये कट गया, गुणा कर लो 77 मीटर² एरिया, क्षेत्रफल है तो मीटर² ये आपको हो गया बेटा, इसके ऊपर आपका कंप्लीट एग्जांपल। ध्यान से करें, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाए उनको भी करें समझ कर, नहीं आए तो आपसे प्रॉब्लम का मौका दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, घर पर ही हैं।